हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप कॉमर्स से 12th पास आउट है और आपने मैथ्स नहीं लिया हुआ है तो उस केस में आपके कौन कौन से बैचलर कोर्सेज हैं या कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप 12th कॉमर्स से पास आउट है और उसके साथ आपने मैथ भी लिया हुआ है तब आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप 12th कॉमर्स से पास आउट हैं और आप कोई डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हैं तो कौन कौन से डिप्लोमास हैं जो कि आप कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपका किस में इंटरेस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना डिप्लोमा चूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है हमारा डिजिटल मार्केटिंग का। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप डिजिटल मार्केटिंग का डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद बैंकिंग और फाइनेंस में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस कर सकते हैं। उसके बाद है आपका एडवांस्ड अकाउंटिंग, अगर आपका अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, तब आप डिप्लोमा इन एडवांस अकाउंटिंग कर सकते हैं। उसके बाद है आपका ये सर्टिफिकेट कोर्स है, ठीक है, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो ये आपका काफी फेमस और इम्पोर्टेंट कोर्स है, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो अगर आप अकाउंटेंट की जॉब करना चाहते हैं या अकाउंट में आपका इंटरेस्ट है तो तब आप CMA कर सकते हैं, यानी सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद है आपका डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अगर आपका फाइनेंस में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है तब आप डिप्लोमा कर सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। उसके बाद है आपका रिटेल मैनेजमेंट, अगर आप रिटेल में जाना चाहते हैं, ठीक है, रिटेल बिजनेस में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है तब आप डिप्लोमा कर सकते हैं रिटेल मैनेजमेंट का। उसके बाद है नेक्स्ट आपका बिजनेस मैनेजमेंट, अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं तो उसका डिप्लोमा कर सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड DCA है, ठीक है, जैसे BCA बैचलर डिग्री होती है वैसे ये आपका डिप्लोमा कोर्स है कंप्यूटर एप्लीकेशन। नेक्स्ट है आपका डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो अगर आप इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं तब आप इसका डिप्लोमा ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्री एजुकेशन। तो अगर आप एलिमेंट्री एजुकेशन या आगे टीचर्स लाइन में जाना चाहते हैं तो इसका भी डिप्लोमा कर सकते हैं, आपको आगे हेल्प मिलेगी इससे। नेक्स्ट है आपका डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। तो अगर आप फिजिकल एजुकेशन में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तब आप डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं। उसके बाद है आपका होटल मैनेजमेंट। तो होटल मैनेजमेंट में अगर आपका इंटरेस्ट है या आगे जाके आप MBA करना चाहते हैं होटल मैनेजमेंट से तब आप डिप्लोमा कर सकते हैं इसका। डिप्लोमा इन योगा है, योगा का डिप्लोमा भी काफी फेमस चल रहा है इस समय, ठीक है। ये आपके सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं और PG डिप्लोमा भी होते हैं योगा से, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है आपका डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग और फाइनेंस में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में आप डिप्लोमा कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग भी है, ठीक है, जैसे डिजिटल का है वैसे फैशन डिजाइनिंग का भी कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम टोटल कितने डिप्लोमास हैं जिसमें हम आफ्टर 12th कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आएगा तो कोई भी डिप्लोमा आप कर लीजिएगा। चलिए, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इनसे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।